When we start in chapter number 15, commercial arithmetic. Previous class में हमने percentage के बारे में पढ़ा था, unitary method के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ रहे हैं profit and loss के बारे में. Profit and loss पढ़ने से पहले मैं आपको एक कोई छोटा सा example देती हूँ. आपने एक pencil buy की 15 rupees में, तो वो आपके लिए क्या हो गई? Cost price हो गई. उस pencil को आपके friend को बहुत अच्छी लगी, तो उसने आपसे बोला मुझे ये पेंसिल 20 रुपीज़ में दे दो. आपने उस बच्चे को, उस फ्रेंड को वो पेंसिल 20 रुपीज़ में बेच दी, तो आपके लिए जो 15 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस था, अब आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? सेलिंग प्राइस में. तो आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया, ओके, और कॉस्ट प्राइस कम हो गया. तो ये जो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, उस केस में हमको प्रॉफिट होता है. हमको ज़्यादा पैसे मिले, 5 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो ये आपके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, एक्स्ट्रा अर्निंग मनी हो गई. ओके, अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट प्राइस के बारे में. द अमाउंट ऑफ मनी विच यू पे टू बाय एन आर्टिकल कॉल्ड द प्राइस रिटर्न एज अ कॉस्ट प्राइस. आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी है बेचने के लिए, तो उस चीज़ का अमाउंट क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस. और जब आप उसको किसी और को बेचोगे, तो वो उसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस. द अमाउंट विच यू रिसीव फ्रॉम द कस्टमर. जो अमाउंट आप किसी और से रिसीव करोगे, किसी कस्टमर से रिसीव करोगे बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. क्या कहलाएगा वो? सेलिंग प्राइस. अब अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो हमारा इस केस में क्या होगा? प्रॉफिट. जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट होता है. हमारा एग्जाम फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो लॉस होता है. उस केस में हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, अब हम क्विक असेसमेंट में आते हैं. आपके प्रॉब्लम करेंगे तो आप इजीली और अच्छे से समझ जाओगे. पेज नंबर 215, क्विक असेसमेंट. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. आपका बुक में ये क्वेश्चन है. मैं इसके दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे. यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस है ₹16, सेलिंग प्राइस है ₹75. इस केस में आप देखिए, विच एवर इज़ ग्रेटर, 75 इज़ ग्रेटर देन 60. तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हुई, तो हमारा क्या आएगा इसमें? प्रॉफिट. वी राइट हियर प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 75 माइनस 60, कितना आंसर आया हमारा बच्चों? 15 रुपीज़. ये 15 रुपीज़ क्या होगा? हमारा प्रॉफिट. ये 15 रुपीज़ क्या होगा? हमारा प्रॉफिट. इसी का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन लेते हैं हम. दिया है कॉस्ट प्राइस है ₹590, सेलिंग प्राइस है हमारा ₹548. आप देख रहे हैं 590 548, हम कंपेयर करेंगे दोनों में. 590 ग्रेटर देन 548. अब यहाँ पे 590 कौन सा प्राइस है? कॉस्ट प्राइस. तो इस केस में कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन हुआ सेलिंग प्राइस, तो वी कैन राइट कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. वी कैन राइट 590 माइनस 548 इक्वल 10. यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रफ वर्क में. 590 माइनस 548 8. 10 में से 8, 2, 8 में से 4, 4, 0. ₹42 लॉस. यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. ओके, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट पेज का क्विक असेसमेंट. पेज नंबर 216.
जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिया गया है कॉस्ट प्राइस गिवन, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है, और इस केस में आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको फॉर्मूले पहले से लर्न हो जाने चाहिए और जैसे जैसे आप प्रॉब्लम करते जाओगे फॉर्मूले आपको लर्न होते जाएंगे। कॉस्ट प्राइस 550, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है आपको, प्रॉफिट दिया है ₹25। फर्स्ट वी राइट फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, वी कैन राइट। अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, क्या निकालना है आपको, SP। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है आपको, 550, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, 25। हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हमको पता है, इसका फॉर्मूला भी है अगर आप फॉर्मूले से करना चाहे तो, सेलिंग प्राइस इक्वल प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाता है। तो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस 25 प्लस 550 हमारा सेलिंग प्राइस है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 0, 5 एंड 5 10, 5 एंड 2 7 एंड 10 8 हमारा, सॉरी 5, सॉरी बेटे बच्चों, 575 रुपीज़ हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। 575 हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस इज़ गिवन टू यू, प्रॉफिट आल्सो गिवन टू यू। अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। उल्टा हो जाएगा इसमें, क्योंकि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं, और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट लेस करते हैं। 815 रुपीज़ 45, 0, 11 में से 4, 7, 7 रुपीज़ 770 इज कॉस्ट प्राइस। आपको नोटबुक में ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, प्लीज़ कंप्लीट योर नोटबुक विथ होमवर्क। होमवर्क भी आप अच्छे से करिए, बाकी के दो क्वेश्चन इसके आपके एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 15D। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू 175 एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 275। वी कंपेयर बोथ द नंबर 175 एंड 275, विच एवर इज ग्रेटर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज ग्रेटर सेलिंग प्राइस, राइट हियर सेलिंग प्राइस इस केस में कौन सा क्या होगा, प्रॉफिट की लॉस। जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो हमें हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वी राइट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट। आप उसको उल्टा भी बोल सकते हो, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस है आपका 275, कॉस्ट प्राइस है आपका 175, प्रॉफिट कितना आया आपका, 100 रुपीज़। आंसर रुपीज़ 100 प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस इक्वल रुपीज़ 200, सेलिंग प्राइस इक्वल रुपीज़ 315.50 पैसे। वी कैन राइट हियर 200
315.50. Whichever is greater, this one is greater. Again we write cost price greater than selling price. Selling price minus cost price equal profit. Okay. 315.50 minus 200. What price come in? 105.50 profit. Answer rupees 115.50 profit. यहाँ पे क्या आया? रुपीज 115 रुपीज 0.50 प्रॉफिट और अ 115 रुपीज 50 पैसा प्रॉफिट. ओके, बी एंड डी आप होमवर्क करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज इन योर बुक, नेहा बाय अ माइक्रोवेव ओवन फॉर रुपीज 12,000 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 13,500. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हर. नेहा ने एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा उसने, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 12,000. फिर उसने उसको किसी और पर्सन को सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हुई? 13,510. कंपेयर करेंगे 13,510 12,000. ओके, विच वन इज ग्रेटर? 13,500. यहाँ सेलिंग प्राइस है, तो इस केस में हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. फिर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट. ओके, 13,510 माइनस 12,000 कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 0,151,510 रुपीस किसको प्रॉफिट हुआ? नेहा को. आपको प्लीज़ ये प्रॉब्लम आप अच्छे से इसी तरह से सॉल्व करिएगा properly and do your copy complete please. Second question is, Rachna buy a sari for rupees. Third question is your homework. Fourth question is, a shopkeeper buy a television set for rupees 7,200. He spend rupees 120 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन. आपको पता है कोई भी चीज़ लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज लगते हैं, तो कितना खर्च किया उन्होंने ट्रांसपोर्ट का? 120 रुपीस. आफ्टर दैट सेल इट फॉर रुपीज़ 9,600. और कितने में उसको सेल कर दिया? 9,600 में. फर्स्ट वी फाइंड आउट द फाइनल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस में कोई भी एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ते हैं, अगर हमको ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है, फ्रेट कार्टेज लगा है किसी चीज़ को लाने के लिए, तो वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है. ओके, तो इसकी फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 0,237,720 रुपीस. ठीक है, अब विच एवर इज़ ग्रेटर, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट. ओके, सेलिंग प्राइस है हमारा 9,600 माइनस 7,320, तो प्रॉफिट हमारा कितना आया? 206 में से 6, 3, 9 में से 7, 0, 8,
फाइव में से थ्री टू, नाइन में से सेवन टू. आंसर 2280 रुपीस प्रॉफिट. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज इन योर बुक. अ फ्रूट वेंडर बाय 10 केजी ऑफ मैंगो फॉर रुपीस 350. ही सोल्ड देम एट रुपीस 42 पर केजी. हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक फॉर 1 केजी ऑफ मैंगो. एक फ्रूट वेंडर था, उन्होंने 10 केजी मैंगो कितने में खरीदे, 350 रुपीस में, और उनको सोल किया 1 केजी 42 रुपीस का. तो उस वेंडर को 1 केजी पे कितना प्रॉफिट हुआ. हमको यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया है मैंगो का 10 केजी फॉर रुपीस 350, सेलिंग प्राइस दिया है 42 रुपीस पर केजी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 केजी फॉर रुपीस 350 दिया है, इसका हम क्या निकालेंगे, 1 केजी कॉस्ट प्राइस. ओके, 10 केजी फॉर रुपीस 350, तो 1 केजी का कितना आएगा, 350 डिवाइडेड बाय 10 इस कम 35 रुपीस. तो अब कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 1 केजी की, कॉस्ट प्राइस है 1 केजी की 35 रुपीस 1 केजी. अब हम कंपेयर करेंगे विच एवर इज ग्रेटर, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 42 माइनस 35, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको पर केजी में, 7 रुपीस का. आंसर रुपीस 7 प्रॉफिट पर केजी. समझ में आया आपको, आपको 10 केजी का दिया हुआ था, तो पहले हमने किसका फाइंड आउट किया, 1 केजी का, उसके बाद दोनों में कंपेयरिंग किया और निकाला रुपीज 7 प्रॉफिट पर केजी. सिक्स क्वेश्चन इज, पेंस वर परचेजेस बाय अ स्टेशनरी शॉप ओनर एट 100 पेंस फॉर रुपीज 350. ही सोल्ड देम 8 पेंस फॉर रुपीज 40. फाइंड द प्रॉफिट मेड ऑन ईच पेन. आपको कॉस्ट प्राइस दी है 100 पेंस की रुपीज 350, सेलिंग प्राइस दी है आपको 8 पेंस की रुपीज 40. दोनों केस में क्वांटिटीज अलग अलग दी हैं, रेट भी अलग अलग दी हैं. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट 1 पेंस इज कॉस्ट प्राइस एंड 1 पेन इज सेलिंग प्राइस. ओके, 1 पेंस कॉस्ट प्राइस इज 350 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3.50. ओके, सेलिंग प्राइस निकालेंगे 1 पेन की कितनी आएगी, 40 डिवाइडेड बाय 8 रुपीस 5. इस केस में आप देख रहे हैं विच एवर इज ग्रेटर, 5 और 3.50, तो कौन सा है ग्रेटर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस ये 1 पेन का है, आप ध्यान रखिएगा इसका. ओके, माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट कितना है, रुपीस 5 माइनस रुपीस 3.50. आंसर आया रुपीस 1.50 प्रॉफिट इन ईच पेन. एक पेन पे उनको इतना प्रॉफिट मिल रहा है. 7 क्वेश्चन कंप्लीट द टेबल. आप खुद सॉल्व करेंगे, इससे आपकी ये पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस